हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? उम्मीद करता हूँ कि ऐप बहुत अच्छे होगे। मेरे दोस्त एक बट बताओ, मेरे कॉलेज का टीचर जो संजय है ना, उसने मेरे को फलतू में मुझे मारा था। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे बहुत प्रेशन किया, कुछ समय रूको मैं खुद उससे मुकाबला कर लूंगा। हाँ हाँ मेरे भाई, उसने मेरे को भी बहुत मारा। मेरे भाई उसने जो भी मुझे वर्क दिया था, मैंने करा भी, तब भी उसने मेरे को मरा। साला बहुत बड़ा हरामी है, उसकी तो माँ की साला गली देने का मन कर रहा था। अगर आप भी इस तरह के 2D कार्टून कैरेक्टर बनाना चाहते हो तो गाइज ये वेरी इजी है। जस्ट आप 2-3 स्टेप को फॉलो करके गाइज आप ये कर सकते हो। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। देखिए गाइज, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो है अपना एडोबी एक्सप्रेस आपको डाउनलोड करना है अपने PC में। तो गाइज इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है। और इसे डाउनलोड कैसे करना है, अगर आप गाइज विंडोज 11 यूज़ करते हो तो आप में होगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का स्टोर। तो गाइज आप यहाँ पे आप आओगे तो और लिखोगे इसे एडोबी एक्सप्रेस। तो गाइज यहाँ से जब इतना सर्च करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइज आपको ये यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में इंस्टॉल इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। गाइज आप इसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद गाइज इसे आप ओपन जब करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, साइनअप कर लेना है। तो गाइज अगर आप में ये नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है एडोबी एक्सप्रेस, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप इसे सिंपली अपने PC में डाउनलोड कर पाओगे। और डाउनलोड करने के बाद सेम ऐसा ही इंटरफेस आएगा। तो गाइज आपको यहाँ पे लॉगिन या साइनअप के लिए बोला जाएगा, तो गाइज आपको कर लेना है। उसके बाद आप क्या आता है, इसे थोड़ा गाइज आप स्क्रॉल करना। यहाँ पे जो दूसरे नंबर पर पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, आप किसी भी इमेज का यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। और दो नंबर पर है रिसाइज इमेज, किसी भी इमेज को रिसाइज कर सकते हो। नंबर 3 पर है कैप्शन वीडियो, आप किसी भी वीडियो, कैप्शन वीडियो का मतलब होता है कि जो आप वीडियो में बोल रहे हो वो जो टेक्स्ट लिखता है ये मतलब होता है। तो गाइज यहाँ पे जो 4 नंबर है ये हमारे बहुत ही काम का है। यहाँ पर लिखा है एनिमेट फ्रॉम ऑडियो, मतलब अपनी ऑडियो से आप कार्टून बना सकते हो। तो गाइज मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि यही मैन है और यहीं पे गाइज आपको कैरेक्टर बनाना है। तो गाइज यहाँ पे देखो कैरेक्टर का ऑप्शन आ रहा, बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा और साइज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप साइज सेलेक्ट करके, कैरेक्टर सेलेक्ट करके, बैकग्राउंड सेलेक्ट करके बना सकते हो गाइज। तो मैं यहाँ पे अभी शॉर्ट बना रहा हूँ, छोटी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं। तो गाइज ये मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि ये कैरेक्टर आप यहाँ से कोई भी कैरेक्टर चॉइस कर सकते हो। जैसे गाइज ये वाला मैं चॉइस कर लेता हूँ, अभी देखना इसका मैं अभी साइज बड़ा कर देता हूँ, खड़ा कर देता हूँ। और भी गाइज बहुत से कैरेक्टर हैं यहाँ पे, आप कोई भी चुन सकते हो गाइज। और यहाँ से ये आल पे सेलेक्ट है कैटेगरी करके, आप यहाँ पे एनिमल्स चुन सकते हो, फूड चुन सकते हो, क्लासरूम, सपोर्ट, इमोजी। और गाइज इसी मैंने आल सेलेक्ट कर रखा है इसलिए यहाँ पे सब शो कर रहे हैं। तो गाइज देखिए अब मैं ये एक ले लेता हूँ। और गाइज यहाँ से आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड पे आना है और आपको यहाँ कोई अपनी बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो गाइज आप यहाँ से डाउनलोड अगर किए हो तो गाइज यहाँ से आप लगा सकते हो। क्योंकि मैंने गाइज डाउनलोड किया है, मैं आपको भी दिखाई देता हूँ लगा के। देखिए गाइज मान लो मैंने ये लगाना है तो गाइज मैं ये यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे इसे सेट कर देता हूँ। अब गाइज मुझे इस कैरेक्टर को बुलवाना है, तो इस कैरेक्टर को बुलवाने के लिए, और यहाँ पे भी बैकग्राउंड बहुत से शो कर रहे हैं, आप इसमें से गाइज कोई भी चुन करके लगा सकते हो। तो गाइज अभी मैंने अपनी गैलरी से ही ले लिया है। तो गाइज यहाँ पे अब एक रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आप यहां से रिकॉर्ड भी कर सकते हो। और ऊपर है ब्राउज का ऑप्शन, तो यहां ब्राउज पे क्लिक करके आप अगर किसी 11 लैब या AI की वॉइस आपने जनरेट किया है तो वो वॉइस इसमें लगा सकते हो। और अगर आपने जनरेट नहीं किया तो आप यहां से डायरेक्ट यहां रिकॉर्ड कर सकते हो। तो गाइज मेरा कनेक्ट है, मैं यहां आपको 2-3 लफ्ज रिकॉर्ड करके दिखाता हूं। तो गाइज आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सब बढ़िया है, ठीक है। तो गाइज़ मैं इतना ही रिकॉर्ड करता हूँ। देखिए गाइज़ मैं रिकॉर्ड इतना ही करता हूँ, इसके बाद थोड़ा गाइज़ ये लोडिंग लेगा क्योंकि यहाँ पे लोडिंग मांगता है। लोडिंग के बाद गाइज़ कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, अभी हो जाएगा। देखिए गाइज़ बन के आ चुका है। गाइज़ मैं अभी प्ले करके इसे दिखाता हूँ कि मैंने जो बोला था वो रिकॉर्ड कर लिया इसने।
देखिए गाइज, मैंने इतना ही ये मतलब अब इसे आपको डाउनलोड करना है, तो गाइज मैं सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी डाउनलोडिंग होने लगी है गाइज, आधी हो भी गई है। तो गाइज अभी 2-3 सेकेंड में ये हो जाएगी, उसके बाद गाइज हम दूसरा कैरेक्टर बनाएंगे कि मेरे अपोजिट मेरी कौन बातों को सुन रहा है। तो गाइज उसे बनाने के लिए मैं इसे अभी यहाँ पे बैक डाउनलोड हो गया है, मैं इसे बैक जाता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ, एनिमेट फ्रॉम ऑडियो पे इस पे करें, और मैं यहाँ पे कैरेक्टर चेंज कर लेता हूँ, अब सुनने वाला कैरेक्टर लगा देता हूँ। जैसे ये मेरा दोस्त है, मान लो ये सुन रहा था, बंदा बंदी सुन रही थी, ठीक, बंदे लगाएं कोई बंदे की आवाज़, जैसे ये है, ये सुन रहा था मान लो, ठीक है। तो गाइज जैसे मान लो ये सुन रहा था, अब यहाँ पे भी इसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहो तो गाइज आप चेंज कर लो, यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। आप मान लो यहाँ ये वाला बैकग्राउंड लगाना है, तो गाइज मैंने ये वाला लगा दिया है। फिर अब मैं यहाँ भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ उसी तरीके से, तो गाइज रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ। हाँ भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो और सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में? तो गाइज मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, इतना रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ भी गाइज थोड़ा वेट करना है आपको 2-3 सेकेंड का। देखिए गाइज ने ये वाला कैरेक्टर भी मुझे डाउनलोड करके दे दिया है, तो गाइज मैं आपको सुनाता हूँ, मैंने जो बोला था वो रिकॉर्ड हो चुका है यहाँ पे। तो गाइज मैं इस कैरेक्टर को भी डाउनलोड कर लेता हूँ सिंपली। देखिए गाइज ये भी हो रहा है, बस 2-3 सेकेंड लेगा, ये हो जाएगा। अब हमारा गाइज तीन, ये जो हमने बताया ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अपने लास्ट स्टेप की ओर चलते हैं। तो गाइज लास्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इसको एडिट कैसे करेंगे। तो गाइज मैं एकदम बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद गाइज आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो वीडियो एडिटिंग के लिए तो आप वो ओपन कर सकते हो। तो गाइज मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ क्लिपचैम, तो भाई गाइज मैं क्लिपचैम को ओपन कर लेता हूँ। क्लिपचैम को आप डाउनलोड कर सकते हो क्रोम ब्राउज़र से भी, और वहाँ एडोब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे लॉगिन भी किया हुआ है, बस ये ओपन हो जाए मैं आपको वीडियो क्रिएट करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो गाइज जब ये कुछ ओपन होगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, तो गाइज मैं क्रिएट ए न्यू वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट ए न्यू वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको इम्पोर्ट मीडिया फाइल पे जाना है। इम्पोर्ट मीडिया फाइल पे जाने के बाद वो दोनों कैरेक्टर हमारे शो कर रहे हैं, तो गाइज हमें पहले इस कैरेक्टर को ले आना है, फिर उसके बाद करके हमें इस वाले कैरेक्टर को ले आना है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे ये अभी 0% में है, अभी ये हो जाएंगे। तो गाइज वो दोनों कैरेक्टर आ चुके हैं, तो गाइज मैं पहले इस वाले कैरेक्टर को लगा लेता हूँ। इस वाले कैरेक्टर को लगाने के बाद गाइज यहाँ से आपको अपना साइज भी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे गाइज मैंने ये दोनों कैरेक्टर लगा दिए हैं, तो यहाँ पे गाइज के लिए अपना क्या है, यहाँ पे आपको इनकी वॉइस थोड़ी बढ़ा लेनी है दोनों की। तो गाइज मैं वॉइस बढ़ा लेता हूँ, वॉइस बढ़ा के मैं आपको प्ले करके इसे दिखाता हूँ। तो गाइज इस तरह की ये दो कैरेक्टर में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई इसके। तो गाइज इसे आप सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट करने के बाद गाइज इसे आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। गाइज इस तरह के